Good morning, class. This is our new genetics class in which today we will study about the chromosomal disorder, that is Down syndrome. मैंने आपको क्रोमोसोमल एबरेशन नाम का टॉपिक पढ़ाया था, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रोमोसोम में जो म्यूटेशन आ रहा होता है, जो चेंजेस आ रहे होते हैं, उसको अपन क्रोमोसोमल एबरेशन कहते हैं. और ये जो चेंजेस हैं वो दो तरह से क्रोमोसोम में आ सकते हैं, या तो उसके अंदर न्यूमेरिकल चेंज आएगा या उसमें स्ट्रक्चरल चेंज आएगा. और अगर उसमें न्यूमेरिकल चेंज आता है तो न्यूमेरिकल चेंज फिर दो तरह का हो सकता है, कि या तो नंबर में या पूरे पूरे सेट में चेंज हो जाएगा. अगर सेट में चेंज आता है तो हम उसको प्लॉइडी कहते हैं, और अगर नंबर में चेंज आता है तो उसको हम जोमी कहते हैं. ये क्रोमोसोम का नंबर कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है. अगर कम हो जाता है तो हम उसको, अगर एक क्रोमोसोम का नंबर कम हो गया तो हम उसको मोनोजोमी कहते हैं. जनरली एक ही क्रोमोसोम का नंबर कम होता है, एक से ज़्यादा नंबर कम नहीं होते, तो हम उसे मोनोजोमी कहेंगे. और मोनोजोमी का एग्जांपल होता है टर्नर सिंड्रोम. और दूसरा हमने पढ़ा था कि अगर नंबर ज़्यादा हो जाए, तो अगर एक नंबर ज़्यादा हो गया क्रोमोसोम का, एक नंबर में बढ़ गया, तो वो कहलाएगा ट्राइजोमी. अगर दो बढ़ गए तो टेट्राजोमी, तीन बढ़ गए तो पेंटाजोमी. पर जनरली टेट्राजोमी और पेंटाजोमी जैसे केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं. जो केसेस देखने को मिलते हैं वो होते हैं ट्राइजोमी. ट्राइजोमी जो चेंजेस है वो जो हमें देखने को मिले ऑटोजोम्स के अंदर, वो तीन तरह के देखने को मिले. एक तो 21वें क्रोमोसोम यानी 21st क्रोमोसोम में, एक 18वें में, और एक 13वें क्रोमोसोम के अंदर. ये चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. 21st क्रोमोसोम के अंदर ट्राइजोमी अगर हो जाती है, मतलब वो तीन दिखाई दे रहे हैं, तो उसका, उससे होने वाली डिजीज़ को हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम अभी आज की क्लास में पढ़ेंगे. और यही अगर ट्राइजोमी सेक्स क्रोमोसोम में देखने को मिलते एक्स एक्स वाई जैसे केस हो जाते हैं, उसको अपन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं. हालांकि मैं आप लोगों को क्रोमोसोमल एबरेशन टॉपिक पूरा पढ़ा चुकी हूँ, पर उसमें जो ये डाउन सिंड्रोम नाम का टॉपिक आया है, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए जो मैं आपको ये टॉपिक अभी आज पढ़ा रही हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एक डाउन सिंड्रोम, और एक इसका जो मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाऊँगी, दैट इज़ HGP. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फ्रीक्वेंटली कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए. हालांकि डाउन सिंड्रोम ऐसा टॉपिक है जो आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं. तो डाउन सिंड्रोम को हम ट्राइजोमी 21 भी कहते हैं और मंगोलियन सिंड्रोम भी कहते हैं. ट्राइजोमी 21 एंड मंगोलियन सिंड्रोम. तो देखिए, ये सारे टॉपिक्स हमारे को इसके अंदर पढ़ने हैं. अब सबसे पहले डेफिनेशन, डाउन सिंड्रोम को हम ट्राइजोमी 21 भी कहते हैं. ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें बच्चे में फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट धीमे हो जाता है, या किसी पर्सन में फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट धीरे हो जाता है. अब मैंने वर्ड पहला बच्चा क्यों बोला, क्योंकि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो जो जन्मजात देखने को मिलेगी, और जन्मजात देखने को मिलेगी तो ऑब्वियसली हम बचपन से ही इसको काउंट करना स्टार्ट करेंगे. इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम 21 से पाया जाएगा. तो ऐसे इंडिविजुअल जो डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त होते हैं, उनमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 होएंगे. नॉर्मल पर्सन में होते हैं 46, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, इसलिए 47 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे इंस्टेड ऑफ 46 जगह 47 क्रोमोसोम्स इसमें पाए जाते हैं. अब इसकी ईटियोलॉजी क्या है, क्यों देखने को मिलती है, या इसकी पैथोफिजियोलॉजी. तो डाउन सिंड्रोम सेल डिवीजन में एरर की वजह से देखने को मिलता है, उस एरर को हम नॉन डिसजंक्शन कहते हैं. मैंने आपको पहले ही बताया था कि मियोसिस के दौरान जो है डिसजंक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है, जिसमें क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं. मियोसिस के दौरान मतलब जब गैमेटोजेनेसिस चल रहा होता है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में ओजेनेसिस चलता है, तो उस समय डिसजंक्शन का एक प्रोसेस होता है जिसमें क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं. अगर ये क्रोमोसोम डिसजंक्शन का नहीं हो पाता किसी एक में, मेल फीमेल दोनों में नहीं कह रही मैं, किसी एक में,
मदर या फादर में से किसी एक के अंदर, चाहे मदर हो चाहे फादर हो, किसी एक के अंदर अगर डिसजंक्शन नहीं हो पाता है तो जो क्रोमोसोम के नंबर हाफ रहने थे वो हाफ नहीं रह पाते, डबल हो जाते हैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्रोमोसोम आ जाएगा। तो एक पेरेंट का डिप्लॉइड क्रोमोसोम और दूसरे पेरेंट का हैप्लॉइड, तो n और 2n मिलकर के कितने हुए, 3n, यानी एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया नॉन डिसजंक्शन की वजह से, तो वो ट्राइसॉमी कॉज कर देगा। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि मियोसिस के दौरान एक पेयर जो होता है वो डिवाइड नहीं हो पाता, पूरा पूरा पेयर एक डॉटर सेल में चला जाता है, जिसकी वजह से जो रिजल्टिंग सेल है उसमें 24 क्रोमोसोम हो जाएंगे और दूसरे में 22 क्रोमोसोम है। इसलिए स्पर्म या एग किसी एक में ऐसे एबनॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं वो मर्ज होंगे नॉर्मल मेटिंग के दौरान, जिसकी वजह से जो फर्टिलाइज्ड एग बनेगा वो एबनॉर्मल बनेगा, यानी उसमें क्रोमोसोम का नंबर जो है एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे ये जो हैशटैग बना हुआ है यहाँ पे नंबर वर्ड आएगा, ठीक है, एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होएगा। ट्राइसोमी 21 में एक सेल में दो 21 क्रोमोसोम, 221 क्रोमोसोम्स होएंगे बजाय एक के, 21 क्रोमोसोम एक होना चाहिए एक सेल के अंदर, पर यहाँ पे दो 21 क्रोमोसोम होंगे, जिसकी वजह से सो द रिजल्टिंग फर्टिलाइज्ड एग हैज़ 321 क्रोमोसोम। एक सेल का मतलब स्पर्म में या ओवम में किसी एक में 21 के दो क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, तो जैसे वो फ्यूज होएगा, फर्टिलाइजेशन होएगा एग का, तो एग में तीन हो जाएंगे, क्योंकि एक में 2n था एक में n था, तो n प्लस 2n मिलकर कितना हुआ, 3n हो गया। तो 21 क्रोमोसोम तीन बार आ गया, जो सिर्फ दो बार आना चाहिए था, और क्यों आ गया, नॉन डिसजंक्शन की वजह से आ गया। तो ये देखिए डायग्राम में सारे सारे क्रोमोसोम दो 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 दो, दो दिखाई दे रहे हैं आपको, एक से लेकर के पूरे 22nd तक दो दो दिखाई दे रहे हैं, लास्ट में XY दिखाई दे रहा है, पर जो 21st क्रोमोसोम है वो दो की जगह तीन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ट्राइसोमी 21 है। अब डाउन सिंड्रोम कितने तरह का हो सकता है, मतलब कितने तरह कारण या क्यों हो सकता है डाउन सिंड्रोम, तो ट्राइसोमी 21 की वजह से हो सकता है, ट्रांसलोकेशन की वजह से हो सकता है, और मोजॉइसिज्म की वजह से हो सकता है, जिसमें से ट्राइसोमी अभी अभी मैंने आपको समझाया ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है, ट्रांसलोकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं क्रोमोसोम के अंदर, मोजॉइसिज्म मैं अभी आपको बता दूंगी क्या होता है मोजॉइसिज्म, पर सबसे जो कॉमनेस्ट कॉज है वो ट्राइसोमी 21 ही है। 95% केसेस में डाउन सिंड्रोम का कारण ट्राइसोमी 21 होता है, इसमें एक्स्ट्रा 21 क्रोमोसोम पाया जाता है, दो की जगह तीन होते हैं, और उससे कॉम्प्लीमेंट 47 क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस होंगे, इसको ट्राइसोमी 21 कहते हैं। दूसरा कारण है ट्रांसलोकेशन, जो कि 3-4% केसेस में देखा जाता है, इसमें 21 क्रोमोसोम का एक सेगमेंट जो है वो बनता है और क्रोमोसोम के दूसरे पेयर से अटैच्ड हो जाता है, एक कटा और दूसरे पे जाके अटैच्ड हो गया, ट्रांसलोकेशन ये तो होता है एक जगह से हटा और दूसरे जगह पे जाकर के जुड़ गया, तो ट्रांसलोकेशन ये भी डाउन सिंड्रोम का कारण होता है। तीसरा है मोजॉइसिज्म, जो सिर्फ 1-2% केसेस में ही देखने को मिल रहा होता है। मोजॉइसिज्म में क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन होता है सेल डिवीजन के लेटर स्टेज में। अब सुनिए इसके बारे में, देखो मैंने आपको बताया कि ट्रांसलोकेशन में तो ट्रांसलोकेशन क्रोमोसोम की स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटी, जबकि ट्राइसोमी क्रोमोसोम की न्यूमेरिकल एबनॉर्मैलिटी है, नंबर में चेंज आ गया, नंबर बढ़ गया। ट्रांसलोकेशन में क्रोमोसोम की आर्म टूटी दूसरे पे जाकर के चिपक गई, एक क्रोमोसोम की आर्म टूट के दूसरे पे जाकर के चिपक गई, यानी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटी आई। मोजॉइसिज्म में क्या हो रहा होता है, सेल डिवीजन में एबनॉर्मैलिटी आती है, हालांकि ट्राइसोमी भी जो था वो सेल डिवीजन की एबनॉर्मैलिटी थी, पर ट्राइसोमी मियोसिस की एबनॉर्मैलिटी थी और मोजॉइसिज्म माइटोसिस की एबनॉर्मैलिटी है, ये नोट कर लीजिए। दोनों में नॉन डिसजंक्शन हो रहा है, ट्राइसोमी में भी नॉन डिसजंक्शन हुआ और मोजॉइसिज्म में भी नॉन डिसजंक्शन होता है, पर दोनों में फ़र्क क्या है, ट्राइसोमी का नॉन डिसजंक्शन जो है वो देखने को मिल रहा होता है मियोसिस के दौरान, और मोजॉइसिज्म का जो नॉन डिसजंक्शन है वो माइटोसिस के दौरान देखने को मिल रहा होता है, यानी सोमैटिक सेल में डिवीजन चल रहा होता है, तो वहाँ पे अगर नॉन डिसजंक्शन हो गया तो क्या होगा कि आधी सेल्स में नॉर्मल नंबर होंगे और आधी सेल्स में एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, तो सम सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स और दूसरी सेल्स के अंदर 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। 47 का मतलब हो गया उनमें आधी सेल्स जो है उसमें 21 क्रोमोसोम जो है वो 21वां क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा।
तो आधी सेल्स नॉर्मल होती है, आधी सेल्स एबनॉर्मल। ये मोजॉइसिज्म है, आधी नॉर्मल आधी एबनॉर्मल सेल्स, ठीक है। तो ये तो है टाइप्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। इसके बाद देखिए कि रिस्क फैक्टर्स क्या है डाउन सिंड्रोम के। रिस्क फैक्टर्स में देखिए, जो वेमेन 35 ईयर्स या उससे ज़्यादा की एज की होती है उनके बच्चों में ये एबनॉर्मैलिटी कॉमनली देखने को मिल रही होती है। मैंने आपको हर बार बताया जेनेटिक डिसऑर्डर का सबसे बड़ा कारण होता है हाई मैटरनल एज, बताया था ना मैंने। तो हर एक में लिखना है आपको, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो, डाउन सिंड्रोम हो, कोई दूसरा सिंड्रोम आ जाए, कुछ भी आ जाए, सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो होता है हाई मैटरनल एज। तो 35 साल या उससे बड़ी उम्र की महिला में अगर प्रेगनेंसी कॉज हो रही होती है तो डाउन सिंड्रोम के केसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो 35 साल की महिला है तो 400 में से एक लाइव बर्थ देखने को मिलती है, और अगर 40 साल से बड़ी उम्र की महिला है तो 110 में से केवल एक लाइव बर्थ ही देखने को मिलेगी। CDC के अकॉर्डिंग यंगर मदर जो 35 साल से कम उम्र की होती हैं, अगर वो स्मोकिंग कर रही हैं या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करती हैं, तो उनमें मियोटिक सेकेंड के दौरान एरर आ जाता है, तो रिस्क बढ़ जाते हैं। हालांकि बहुत सालों की रिसर्च में जो है एडवांस मैटरनल एज जो है केवल एक फैक्टर ही माना गया है, और ये एक फैक्टर भी बहुत बड़ा फैक्टर माना गया जो डाउन सिंड्रोम के साथ में जुड़ा हुआ है, अधिकतर रिसर्चेस यही बता रही हैं। अब CM क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ऐसे बच्चे कैसे दिखाई देंगे। माइक्रोसिफेली, हेड छोटा रह जाता है, फ्लैट फेस होता है, बल्कि राउंड मून लाइक फेस होता है, चांद जैसा मुखड़ा दिखाई दे रहा होता है इन बच्चों का। आईज़ अप स्लांट और अपवर्ड, ऊपर की तरफ स्लांट आईज़ होती हैं, छोटी फिड्डी सी नाक होती है, छोटे छोटे नीचे हुए हुए से कान, लो सेट ईयर्स होते हैं, नाक फिड्डा होएगा इनका, फ्लैट नेजल ब्रिज और टंग बाहर निकली हुई, जी बाहर निकली हुई होती है। तो ऐसा तो इनका फेशियल फीचर होता है, और ये पूरा फीचर जो है वो मंगोलियन जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको अपन मंगोलियन सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी पे ब्रश फील्ड स्पॉट्स जो है वो दिखाई देते हैं, ये छोटे छोटे सफ़ेद स्पॉट्स हैं जो आई की आयरिस के अंदर दिखाई दे रहे होते हैं, आई की आयरिस में सफ़ेद सफ़ेद ब्रश जैसे स्पॉट्स दिखाई देते हैं। छोटे छोटे पर चौड़े हाथ और पैर होते हैं, इनके हाथ में पाम में सिंगल क्रीज कहती है, जो अपने तीन तीन लाइनें दिख रहे हैं ना हाथ में, उनके ऐसे नहीं दिखाई दे रही होती है, ये इसकी पहचान होती है कि इनके हाथ में जो है वो लाइन सिंगल लाइन दिखाई दे रही होती है। छोटी छोटी गुलाबी सी अंगुलियां होती हैं, कई बार थंब जो है वो थोड़ा सा कर्व लिया हुआ होता है, अंगूठा थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। इनके लार्ज टो और सेकेंड टो के बीच में जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिखाई दे रहा होता है, मसल्स इनकी वीक होती हैं, लटकी हुई सी हाइपोटोनिया हो जाता है इन बच्चों को। तो ये सारे इसकी पहचान है। ये देखिए जो मैंने बोला कि सर छोटा रह जाता है, माइक्रोसिफेली का पहला केस, दूसरा आंख का जो हम कह रहे हैं वाइट स्पॉट दिखाई दे रहा है, ये मसल्स वीकनेस आपको दिखाई दे रही है, बच्चे की हाइपोटोनिया दिखाई दे रहा है, ये क्रीज साइमन क्राइसिस इसको कहा जाता है, साइमन क्रीज है ये, देखो एक ही लाइन दिख रही है ना, नॉर्मल पाम में तो देखो ऐसे दो या तीन लाइनें दिखाई दे रही होती हैं, पर इनके अंदर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा होता है कि दो या तीन लाइनें हो, इनके अंदर सिर्फ एक ही लाइन दिखाई दे रही होती है। और ये देखिए चौड़ी चौड़ी सी अंगुलियां, छोटे छोटे हाथ, चौड़ी चौड़ी अंगुलियां, और जो मैंने लेग वाली बात कही थी कि फर्स्ट टो और सेकेंड टो के बीच में बहुत स्पेस, देखो ये सिक्स्थ पिक्चर के अंदर ऐसा आपको दिखाई दे रहा है कि अंगूठे और अंगुलियों के बीच में इतना गैप, नॉर्मल में ऐसा कभी नहीं होता है। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं इन लोगों के अंदर, तो NICHD के अकॉर्डिंग, फुल फॉर्म या ब्रैकेट में लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, 95% इंडिविजुअल जो डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त हैं उनमें माइल्ड से लेकर मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, यानी दिमागी तौर पर ऐसे बच्चे विकसित नहीं हो पाते, ये भाषा भी नहीं जल्दी सीख पाते हैं, सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास भी नहीं हो पाता, और मोटर डेवलपमेंट भी इनमें नहीं हो पाता, और मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी इनका धीमे हो जाता है, ग्रोथ रिटार्डेशन, जन्मजात हार्ट में डिजीज़ होती है 50% केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। और यह हार्ट डिजीज़ बचपन में नहीं दिखाई देगी, मतलब पता है इसमें थोड़ा सा लेट चलता है, लेट ज़्यादा डेवलप हो जाती है, हार्ट डिजीज़ है तो बचपन से ही, पर डेवलपमेंट बाद में दिखाई देता है, और वो डिजीज़ कौन सी, या तो एट्रियल
सेप्टल डिफेक्ट या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इनमें होता है। ऐसे बच्चों को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी हो जाता है, जैसे न्यूमोनिया वगैरह। इनकी विजन में भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कैटरैक्ट, मोतियाबिंद इनके अंदर हो जाता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके अलावा 60% से ज़्यादा केसेस में हियरिंग लॉस देखने को मिलती है, बच्चों को सुनाई नहीं देता। कईयों का GI ब्लॉकेज या GI की दूसरी प्रॉब्लम्स, जैसे कि ईसोफेगस में एट्रेशिया हो जाता है, ड्यूडेनल में एट्रेशिया हो जाता है, और सिलियक डिजीज़ देखने को मिल रही होती है। सब पेट की बीमारियां हैं। इनके थायराइड भी फंक्शन सही नहीं कर पाता, नींद में सांस आने में दिक्कत होती है, सोने के बाद इनको सांस ढंग से नहीं आ पाती। ऐसे 50-75% केसेस में देखने को मिलता है। और डिमेंशिया के रिस्क जो है बढ़ जाते हैं, डिमेंशिया याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। वैसे भी हम कह रहे हैं मेंटल टार्टेड बच्चे हैं, अपने को कौन सी चीज़ें याद रह रही होती है, तो फिर ये तो बीमार बच्चे हैं। तो इनमें डिमेंशिया भूलने की बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। याददाश्त तो है ही कमज़ोर, भूलने की बीमारी भी लग जाती है। और हायर रिस्क ऑल के हो जाते हैं, ऑल मतलब एक्यूट लिम्फोसाइट ल्यूकीमिया, 150 में से 1% के अंदर तो ये ऑल जो है वो दिखाई देता है। अब डाउन सिंड्रोम को डायग्नोस कैसे कर सकते हो, तो प्रेग्नेंट वुमेन में स्क्रीनिंग आपको ऑफर करनी होती है इनवेसिव डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के द्वारा डाउन सिंड्रोम की। एज रिगार्डलेस, एज का कोई बड़ा रोल नहीं है, आपको स्क्रीनिंग करनी ही चाहिए इनवेसिव डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के द्वारा। इसके अलावा आप कोरियोनिक विल्लस सैम्पलिंग जो हम पढ़ चुके हैं, एमनियोसेंटेसिस हम पढ़ चुके हैं, CVS के अंदर अपन प्लेसेंटा से सैंपल लेते हैं, सर्विक्स के थ्रू आप लेकर के या फिर निडल इंसर्ट कर सकते हो एब्डोमेन के थ्रू, तो 8 से 12 हफ्ते के बीच में टेस्ट किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक फ्लूड को का थोड़ा बहुत अमाउंट आप निडल से रिमूव करिए, एब्डोमेन में इंसर्ट करके निडल को थोड़ा सा अमाउंट ले लीजिए, फिर उसमें सेल्स को एनालाइज करिए, देखिए कि क्या कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी उस सेल में दिखाई दे रही है। ये अपन 12 से 20 हफ्ते के बीच में, 12 हफ्ते या 20 हफ्ते के बीच के दौरान अपन कर सकते हैं। तो ये पिक्चर आपको एमनियोसेंटेसिस और CVS दोनों की दिखाई गई है, पढ़ा दिया था ऐसे टॉपिक मैंने आपको अच्छे से, कि आप USG से पहले उसको अच्छे से देख करके एमनियोटिक फ्लूड इस तरह से आप एस्पायरेट करवा करके ले रहे हो। इसी तरह से USG से ट्रांसड्यूसर लगा करके आप वेजाइनल स्पेक्यूलम कैथेटर के थ्रू अपन ये सैंपल ले रहे हैं। इसके अलावा अपन PUBS परक्यूटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैम्पलिंग भी ले सकते हैं। अम्बिलिकल ब्लड सैम्पलिंग में अपन निडल यूज़ करते हैं ब्लड सैम्पल निकालने के लिए अम्बिलिकल कॉर्ड से, 20 हफ्ते के बाद ये टेस्ट किया जाता है। और जब बेबी बॉर्न हो जाता है और अगर आपको लग रहा है कि उसमें डाउन सिंड्रोम है, तो कैरियोटाइपिंग आप कर सकते हो, ब्लड या टिश्यू सैंपल लेकर के उसको स्टेन करो, तो उसमें क्रोमोसोम के ग्रुप मैं आपको उसकी साइज़ की या नंबर की या शेप की एबनॉर्मलिटी जो है वो दिखाई देगी। ये बताया गया कैसे अपन फीटल ब्लड सैंपल ले सकते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या है भाई, हम इसको ठीक कर ही नहीं सकते, ये क्योरेबल नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अपन इंडिविजुअल कंसर्न दिखा सकते हैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे, कि भाई उसमें कुछ हार्ट डिफेक्ट जो है अगर है पाया जा रहा है तो उसकी सर्जरी आप कर सकते हो। इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते हो, पर उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को, जैसे हार्ट डिफेक्ट वगैरह को ठीक कर सकते हो, कार्डियक या GI की कोई एनोमली है उसको आप सर्जरी से के थ्रू जो है समय पे उसकी सर्जरी करके ठीक कर सकते हो, जो सीरियस प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आगे नहीं होंगे। क्योंकि इसमें विजन प्रॉब्लम का भी रिस्क रहता है, सुनाई भी हो सकता है कि आगे ना दे बच्चे को, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाए। स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट इसलिए इनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्सेस को चाहिए कि मदर के प्रेगनेंसी की हिस्ट्री लें, बर्थ की हिस्ट्री लें, जेनेटिक टेस्टिंग करें, उसके फिजिकल करेक्टरिस्टिक देखें डाउन सिंड्रोम के, और प्लस बच्चे में देखें कि उसकी रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग कैसे चल रही है, पुअर मसल टोन है क्या, क्योंकि अगर पुअर मसल टोन है तो रेस्पिरेशन सही चलेगा नहीं। आप हार्ट साउंड सुनिए कि मम की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है क्या, खाने की एबिलिटी देखिए उस बच्चे की,
जीभ बाहर निकली रहती है क्या, मुंह से सांस ले रहा है क्या, उसका बाउल सही फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर बड़ा बच्चा है तो उसकी हाइट वेट देखिए, कंपेयर करिए ग्रोथ चार्ट से, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसमें चीज़ें पहचानने की क्षमता डेवलप हो रही है क्या, स्किन की इंटीग्रिटी चेक करिए, उसकी टेंडेंसी देखिए कि कहीं वो सूखी रह रही है, वो रफ़ है, उसमें क्रैक्स बने हुए हैं, ऐसी लकीरें लकीरें जालियाँ से बन जाती है स्किन में, ऐसा तो कुछ नहीं है। उसकी फैमिली नॉलेज देखिए, वो कोपिंग कैसे कर रहे हैं, उनको सपोर्ट क्या मिल रहा है, ये सब देखिए। ऑब्जर्वेशन इंटरैक्शन, ऑब्जर्व इंटरैक्शन एंड बॉन्डिंग बिटवीन मदर इन्फेंट, आपको ये ऑब्जर्व करना चाहिए बीइंग अ नर्स, कि माँ और बच्चे में कितना प्रेम है। ऐसा तो नहीं कहीं माँ बच्चे को इग्नोर कर रही, वो बच्चा एबनॉर्मल पैदा हो गया। पेरेंटल फीलिंग्स भी होनी चाहिए उस चाइल्ड के साथ जिसके, आपकी पेरेंटल फीलिंग होनी चाहिए जिसको डाउन सिंड्रोम है, ऐसे बच्चे साथ आपकी पेरेंटल फीलिंग होनी चाहिए। अब डायग्नोस इंटरवेंशन क्या है इसमें, कि आप ये देखिए कि बच्चे में ग्रोथ डेवलपमेंट डिलेड हो रहा है क्या, डेवलपमेंटल टास्क को अचीव करने की एबिलिटी उसमें इम्पेयर्ड है क्या। सुपरवाइज्ड करिए सेटिंग के साथ में, ऐसा एनवायरनमेंट दीजिए जो उसमें उसको स्टिमुलेशन दे सके, सोशल इंट्रैक्शन करवा सके, एक्टिविटीज़ करवा सके, बच्चे की डेवलपमेंट को अच्छा कर सके। अगर उसमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है तो अच्छा और अच्छा एनवायरनमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे को। इसको इसके अलावा चाइल्ड और फैमिली को भी आप रिसोर्सेज प्रोवाइड करिए ताकि वो थेरेपेटिक प्रोग्राम ले सकें, कुछ एक्सरसाइज बताइए, कुछ एक्टिविटीज़ बताइए, ताकि बच्चे में अर्ली ईयर में जो डेवलपमेंटल डिले हो रहा है उसको आप वो ढंग से डिज़ाइन कर सके, उस डिले को थोड़ा ठीक कर सके, ताकि डेवलपमेंटल पोटेंशियल बाद में बच्चे में अच्छा हो सके। उसके ग्रॉस मोटर और सेंसरी एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई करवाइए बच्चे की, एकोमोडेट करिए उसको, टॉडलर लिमिटेशंस और सेंस ऑफ ऑटोनॉमी उनके अंदर प्रमोट करवाइए बच्चों में। सेल्फ केयर डेफिशिएंट अगर वो है तो उसको नहाने धुलाने का, उसकी हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रखने का, उसकी ड्रेसिंग का, उसकी फीडिंग का, उसकी टॉयलेटिंग का, साफ़ सफाई का पूरा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के साथ में ये जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो आपको वही कंसिस्टेंट केयर देनी है कुछ लोगों को इस तरह की चीज़ों के लिए। आपको एनकरेज करना है इंडिपेंडेंसी के लिए, बच्चे को अलाउ करिए कि ताकि वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना काम कर सके। बच्चे को पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट दीजिए, और कोई स्किल है तो एप्रोप्रिएट स्किल उसको सिखाइए, एप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको सिखाइए, फ्यूचर बिहेवियर से अवगत करवाइए। इसके अलावा अगर उसका वर्बल कम्युनिकेशन इम्पेयर्ड चल रहा है, सही तरीके से नहीं चल रहा है, रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव स्किल अगर उसकी इम्पेयर्ड है तो आप उसको बोलना सिखाइए, भाषा सिखाइए, थेरेपिस्ट के पास भेजिए, जो बच्चे के चाइल्ड की नीड है उसके अकॉर्डिंग उस पर ध्यान दीजिए। ऐसे बच्चे के साथ अपने को धीरे धीरे बात करनी है, क्योंकि जल्दी बोलेंगे तो बच्चा समझ नहीं पाएगा आपको। जैसे मैं जल्दी जल्दी बोल रही होती, टॉपिक फटाफट पढ़ाने के चक्कर में जल्दी जल्दी बोल रही होती हूँ, तो ये मैं आप लोगों को साथ डील कर रही हूँ। आप नॉर्मल बच्चे हैं, आप स्पेशल चाइल्ड नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ जल्दी बोल सकती हूँ। पर अगर अपने को ऐसे स्पेशल चाइल्ड के साथ में ट्रीटमेंट करना हो, टॉक करनी हो, तो हमें काफ़ी धीरे धीरे बात करनी होती है, पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, आर्टिकल्स का यूज़ करते हुए हमें उन बच्चों के साथ में कम्युनिकेट करना होता है। वही आप कोई चीज़ समझा रहे हो तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ में, एग्जांपल लेते हुए, डेमोंस्ट्रेशन के साथ में आप उनको चीज़ें सिखाइए, डोंट टच, स्टॉप दैट, इस तरह की चीज़ें आप उसको सिखा सकते हैं ढंग से, अगर आप थोड़ा सा फोकस करें बच्चे पे। इसके अलावा उनमें इन्फेक्शन के खतरे ना बढ़ जाए, मसल टोन डिक्रीज हो रही हो, म्यूकस की ड्रेनिंग पुअर हो रही हो, तो उनके घर वालों को बताइए कि अच्छी हैंड वॉशिंग वो करें, ताकि बच्चे के अंदर कोई बैक्टीरिया या कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ ना चली जाए उनकी गलतियों की वजह से। बच्चे का मुँह जो है पानी से बार बार धुलाते रह जाए, वो खाना खा लेता है, या फिर दूसरे टाइम पर कभी म्यूकस मेम्ब्रेन अगर है वो सूख गई है बार बार माउथ ब्रीदिंग के द्वारा, तो आप उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का खतरा उसमें बढ़ जाता है। ये बात उसके पेरेंट्स को बताइए, और पेरेंट्स को बताइए कि उनको पॉस्चुरल ड्रेनेज, मतलब पॉस्चर उसका बच्चे चेंज करते हैं उसको ड्रेनेज करवाना है, परक्यूजन के थ्रू अगर ज़रूरत पड़े तो लंग्स को क्लियर करवाइए, ताकि बच्चा सांस ले सके। बच्चा बोल के तो बताएगा नहीं कि उसको दिक्कत आ रही है सांस लेने में, तो आप ही को ध्यान देना होगा। इसके अलावा प्रिवेंशन एजुकेशन, तो प्रिवेंशन तो है ही नहीं कोई डाउन सिंड्रोम की,
एब्सोल्युटली नथिंग दैट एनीवन कैन डू प्रिवेंट अ ट्राइसोमी. कोई चीज़ ऐसी नहीं जो आप ट्राइसोमी को रोक सकते हो, किसी चीज़ से आप नहीं रोक सकते हो, ना ही उसके कॉज को, ना उसको खुद को, किसी चीज़ को आप नहीं रोक सकते. हाँ, प्रिवेंशन के अगर आप एफर्ट्स कर रहे हैं तो आप जेनेटिक काउंसलिंग कपल की कर सकते हैं और उनको प्रिपेयर कर सकते हैं ऐसे बेबी के लिए. हाँ, अल्फा फीटो प्रोटीन के थ्रू आप स्क्रीनिंग करेंगे तो आपको चांसेस पता चल जाएंगे कितने चांसेस है डाउन सिंड्रोम होने के. पेरेंट्स को बताइए फूड की क्या इंपॉर्टेंस है, सही न्यूट्रिशन लेने की, सही फ्लूड लेने की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब चीज़ें आपको समझानी है. बैलेंस एडिक्वेट न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दीजिए, ये उनको कहना है आपको, कि पुअर फीडिंग से जो है वो लेटर लाइफ में ओबेसिटी उस बच्चे के अंदर हो सकती है, तो ये चीज़ें आपको समझानी है. फैमिली को ये भी बताना है कि आप फिजिकल कॉम्प्लिकेशन को कैसे बच्चे के रोक सकते हैं, जैसे हैंड वॉशिंग के थ्रू आप इन्फेक्शन को दूर कर सकते हो, फाइबरस डाइट के थ्रू आप उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हो, फिजिकल एक्टिविटी को एनकरेज करना है. पेरेंट्स को ये बताना है कि वो बच्चे का रेगुलर चेकअप करवाते रहें. आइडेंटिफाई करना है बच्चे को जिनको सपोर्ट वगैरह चाहिए, या फिर उसको ऐसी जगह रेफर करिए ताकि सपोर्ट ग्रुप उसको मिल सके. इसके अलावा अर्ली इंटरवेंशन में फिजिकल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं. फिजिकल थेरेपी में पूरा अच्छे से मोटर मूवमेंट स्किल के बारे में बच्चे को समझाया जाता है. स्पीच में ऑब्वियस से लैंग्वेज स्किल सिखाई जाती है. ऑक्यूपेशनल के अंदर मास्टर स्किल्स जो है इंडिपेंडेंसी की, वो उसमें डेवलप करवाई जाती है. तो ये ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं. इसके साथ आपका डाउन सिंड्रोम का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है. काफ़ी इजी टॉपिक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. आज के लिए इतना काम.